नमस्कार, पीपीएस न्यूज टीवी नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। एक विशेष खबर के साथ मैं हूं आपका होस्ट प्रेम प्रसाद शर्मा। असम दुल्यादन शहर स्थित नाहौलिया में सार्वजनिक नेपाली दुर्गा मंदिर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है। आज नवरात्र का सातवां दिन है और आज ही के दिन पूरी विधिवत के साथ माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जिसके साथ ही दुर्गा पूजा का शुभारंभ भी हो जाता है। यह मंदिर नाहौली अंचल में सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। बड़े दूर दूर से भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ माता की दर्शन और आशीर्वाद के लिए आते हैं। इस मंदिर की स्थापना 1969 में हुई थी और हाल ही में इस मंदिर का स्वर्ण जयंती भी पालन किया गया था। जय मा दुर्गा, जय मा दुर्गा। 1969 सनते स्थापित ये ऐतिह्यमंडित मा दुर्गा मंदिर नाहौलिया सार्वजनीन नेपाली दुर्गा मंदिर ये चोताल आम समबेत आम अति गौरवे कबले आगो जे अंचल जाति बर्ण निर्विशेषे आम सकुए आज चोताल मंदिर मा दुर्गार आशीष ल আমি আগবাঢ়িছো। আমাৰ সমগ্ৰ অঞ্চলটো সমগ্ৰ অসমখনকে মা দুৰ্গাই কৃপা কৰক, আজি যি পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতিৰ পৰা আমাক মুক্ত কৰক। আৰু আজি মহাসপ্তমী পূজা 2021 চনৰ এই পূজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মা দুৰ্গাই আমাক আশীষ দিয়ক যাতে আমাৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় আমাৰ অঞ্চলত। আমি সেয়াই কামনা কৰিছোঁ আৰু মন্দিৰটি আমাৰ এই অঞ্চলৰ সকলোৰে আদৰ্শ হৈ এই মন্দিৰটিৰ কৃপাতে আমি যাতে ভৱিষ্যতৰ উত্তৰত্তৰ উন্নতি হয় এয়া কামনা কৰি পুনৰবাৰ আমি আপোনালোকৰ গোটেই অঞ্চলটোৰ সমৃদ্ধি কামনা কৰিছোঁ। জয় মা দুৰ্গা। কোভিড-19 মহামাৰীক ধ্যান মে ৰাখতে হুৱে আৰু জিলা প্ৰশাসনকে দিশা নিৰ্দেশক পালন কৰতে হুৱে ইছবাৰ পাণ্ডালক ছোটে স্বৰূপ মে বনাই গিয়া হে और पूजा समितियों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही पूजा करवाने का आदेश दिया गया है। नेपाली दुर्गा पूजा समिति ने इस दौरान सभी श्रद्धालुओं से आह्वान किया है कि वे मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क लगाकर आए और सरकार द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पूजा अर्चना में भाग लें। आज हमारे नाहौलिया सार्वजनिक नेपाली दुर्गा मंदिर के प्रांगण में आज दुर्गा महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और इस समय हम हमारे समस्त अंचल नाहौलिया अंचलवासी समस्त दुल्यादनवासी ये सब श्रद्धालु भक्तजनों को हम लोग यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित करते हैं। और इस समय इस जो समय चल रहा है उसमें भी सरकार के दिए हुए नीति निर्देशानुसार सब मास्क का परिधान करें और जो प्रोटोकॉल सरकार ने दिए उनको मानकर पूजा में माँ दुर्गा का दर्शन करें। सब अंचलवासी हम लोग को सहयोग करने के लिए हमारे नाहौली अंचलवासी सब श्रद्धालु भक्तजनों को हम लोग मंदिर कमेटी समिति की तरफ से सबको सब अंचलवासियों को हम लोग 100-100 बार धन्यवाद करते हैं। हमेशा उन लोगों का सहयोग चाहिए, सहयोग देते हैं। अपनी कालरात्रि का पूजा हो चुका है, समाप्त हो चुका है और शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक आरती प्रारंभ होता है और 8 बजे के बाद उसके बाद कल सुबह अष्टमी का दिन महागौरी का पूजा सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक 6 बजे आरती होता है शाम को उसी तरह ही और प्रसाद वितरण होता है। उसके बाद बलि पुष्पांडव बलि रात को 11 बजे से आरंभ होता है। नवमी का दिन 56 भोग का प्रसाद महादेवी को अर्पण किया जाता है। 56 भोग अगर किसी को महादेवी को प्रसाद वितरण करना हो तो ग्रहण अंश कर सकते हैं, ला सकते हैं, देवी को प्रसाद दे सकते हैं। उसके बाद दशमी का दिन माता का विसर्जन किया जाता है। पीपीएस न्यूज टीवी नेटवर्क के लिए प्रेम प्रसाद शर्मा की यह रिपोर्ट।